Possibly it was my destiny. Very touchy question, why I became doctor. My parents wanted me to become doctor. They wanted me to serve public because in my family there were a lot of patients. And why I became cardiac surgeon, my mother was heart patient. बचपन में मेरा भाई, छोटा भाई बीमार हो गया था. उसको पापा हॉस्पिटल लेके गए थे. उसको दो चार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ा. वो छोटा सा बच्चा था. उसने बोला, पापा बार बार हॉस्पिटल ले जाते हो, इससे अच्छा घर में एक डॉक्टर क्यों नहीं पाल लेते. तो वो एक छोटी सी ऐसे जोक या मजाक की तरह बात थी. लेकिन पापा ने फिर बोला कि डॉक्टर बनना एक अच्छी प्रोफेशन हो सकती है. ओवर द ईयर्स डॉक्टर बनने के आज 20-25 साल बाद मुझे क्या रियलाइज़ हो रहा है, पापा की बात तो सही है, इसमें पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन तीनों में जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो रेस्पेक्ट भी इतना नहीं लगता जितना प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन. माई ग्रैंड फादर वॉज अ डेंटिस्ट, माई फादर वॉज अ डेंटिस्ट, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर, एवरी वन इन द फैमिली, इवन माई नेफ्यू एंड नीसेस. एंड गॉड हैज बीन ग्रेट, ही गेव मी माई लाइफ पार्टनर, अ डेंटिस्ट टू. एक्चुअली बचपन में ही मेरे पोलियो हो गया था, तो सारी जो मेरा बचपन था वो खेल के मैदान में कम और हॉस्पिटल्स में ज़्यादा निकला. तो अब होता क्या कि जब आप हॉस्पिटल पे बेड पर होते हो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन दिखाई पड़ता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल डॉक्टर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो जब चाहता है आता है, आपको इंजेक्शन लगा देता है, जब चाहता है आपको प्लास्टर लगा जाता है, कभी ऑपरेशन थिएटर ले जाता है. और बचपन में तो पावर्स का बड़ा रोल होता है, जब हम बड़े हो गए तब भी होता है, लेकिन बचपन में डॉक्टर बड़ा पावरफुल दिखाई पड़ता था. तो हमने कहा नहीं साहब, डॉक्टर ही बनना है. तो मेरा हॉस्पिटल का जो खुद का स्टे था उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं डॉक्टर बनूं. प्लस जो आसपास अपने पेशेंट्स देखता था तो मुझे लगता था कि क्या मैं इनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. अभी तक तो मैं ही सारा कॉन्ट्रीब्यूशन लेता हुआ आ रहा हूँ सोसाइटी से, तो क्या कुछ ऐसा होगा कि मैं खड़ा होऊंगा और वो लोग मुझे डॉक्टर साहब कहकर गुड मॉर्निंग बोलेंगे. तो वो बड़ी मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरी लाइफ के अंदर. डॉक्टर बनना हमारे हाथ की बात नहीं थी. 10th क्लास जब पास हुए और फादर के पास गए तो न तो उन्होंने हमसे पूछा, न हम पूछ पाए कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है. फॉर्म पे बायोलॉजी भर दिया गया और हम डॉक्टर बन गए.